अस्सलाम स्टूडेंट, आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 एंड 2 वो आप ले चुके हैं, आज लेक्चर नंबर 3 है। स्टार्ट हमने पोयम पर रखा है, वो पोयम जो है वो बेसिकली द डैफोडिल्स है। डैफोडिल्स का मतलब होता है नरगिस का फूल जो येलो कलर के होते हैं, ठीक है। और इस नज़्म को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। इसने लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ इसके शायर हैं, जिसने इस नज़्म को जो टाइटल दिया है विद फ्लावर, इसका नाम डैफोडिल्स है। तो हेडिंग लगाएंगे द डैफोडिल्स और साइड हेडिंग लगाओगे अबाउट द पोएट। लगा चुके और उसके नीचे लिखेंगे अबाउट द पोएट के नीचे लिखोगे नेम बॉर्न डाई एजुकेशन। पॉइंट नंबर 1 पे लिखोगे नेम, पॉइंट नंबर 2 पे लिखोगे बॉर्न, पॉइंट नंबर 3 पे लिखोगे डाई, पॉइंट नंबर 4 पे लिखोगे एजुकेशन। चार पॉइंट पर है, पहले पॉइंट पे नेम, दूसरे पॉइंट पे बॉर्न कब पैदा हुए, तीसरे पॉइंट पे लिखेंगे डाई कब निकाल कर गए, चौथे नंबर पे लिखेंगे एजुकेशन उनकी तारीख क्या है। तो आइए देखते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ और जो आपको मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे उन्होंने तालीम हासिल की और इस नज़्म को लिखा किसने, कब पर पैदा हुए विलियम वर्ड्सवर्थ। अब अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, देखिए तो लिखिएगा विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न। पहले तो नेम में क्या लिखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। जल्दी से लिखे साथ साथ पेन पेंसिल रजिस्टर के साथ रखेंगे ताकि आप जो है इसे लिख सके, एमसीक्यूज में जो आने वाली चीज है वो कवर हो सके। तो नाम में क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट पर विलियम वर्ड्सवर्थ, दूसरे पॉइंट पर क्या लिखेंगे आप, ही वॉज बॉर्न 7 अप्रैल 1770 1770। और उसी के आगे ब्रैकेट में मेंशन कर दें कुकरमॉक, लिखा हुआ है थर्ड लाइन पे देखें स्क्रीन पर, लग लिखा कुकरमॉक की जगह का नाम COCKERMOUTH कुकरमॉक, देखो क्या इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड में पैदा हुए 7 अप्रैल 1770 पर, ठीक हो गया। तीसरे पॉइंट पे लिखेगा डाई, कब वो इंतकाल कर गए, तो देखिएगा बिल्कुल टॉप पर लिखा है 1850, तो ही डाइड 1850। तीन पॉइंट हो गए। नंबर 4 पे लिखेगा एजुकेशन, तो लिखेगा ही स्टडी या ही एजुकेटेड या ही वॉज एजुकेटेड, कुछ भी लिखे, तो ही वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। लाइन नंबर 6 और 7 में देखें, तो ही वॉज एजुकेटेड एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये बात हो गई 4th। अब 5th स्टार बनाएंगे, स्टार बनाकर पॉइंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ही वॉज द ब्रिटिश पोएट। बिल्कुल टॉप पर देखें लाइन नंबर 1 पर, ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट, ही वॉज द ब्रिटिश पोएट। अब पॉइंट नंबर 6 लिखेंगे जो मैं बता रहा हूं आपको, ही वॉज अ सेकेंड फादर ऑफ नेचर, ही वॉज अ सेकेंड फादर ऑफ नेचर। लिखिएगा तो कहा कि फर्स्ट कौन है, विलियम शेक्सपियर,
He was the second father of nature. तो फर्स्ट कौन थे हमारे पास? विलियम शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर जो है वो फर्स्ट फादर ऑफ नेचर, फर्स्ट फादर ऑफ नेचर, इस सेकंड फादर ऑफ नेचर. ये कहानी के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ की खत्म हो जाती है. क्लियर है भाई? अब हम चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ. पहले हेडिंग में तो ये सात छह बातें हो गई. अब हम चलते हैं सेकंड हेडिंग की तरफ, अबाउट द पोएम. अब हम अबाउट द पोएम की तरफ चलते हैं. तो उसी के साथ हेडिंग लगाओ स्टैंडर्ड नंबर 1. सेकंड हेडिंग क्या है? अबाउट द पोएम. उसी के नीचे हेडिंग लगाओ स्टैंजा नंबर 1. आप क्या करोगे? स्टैंजा नंबर 1 पर, स्टैंजा नंबर 1 पर जाकर उसके रेफरेंस लिखोगे और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखोगे. वो मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर. परेशान होने वाली बात कोई नहीं. पहले आप स्टैंजा नंबर 1 सीख लो, पढ़ लो, समझ लो, फिर आप जाके लिखो. ठीक है, चलते हैं. आइए मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं स्टैंजा नंबर 1. हेडिंग लगाओ स्टैंजा नंबर 1 अबाउट द पोएम. ये स्टैंजा नंबर 1 है जो मैं आपको पढ़ूंगा, जो आपको पढ़कर सुनाऊंगा मैं, और आप उसके मीनिंग भी लिख सकोगे जो बारी बारी जाकर. फिर इसके हम रेफरेंस देखेंगे, फिर इसी के हम जाकर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे. एक्सप्लेनेशन मैं अभी दूंगा, लिखवा भी दूंगा. ठीक है? आई वेंटेड. तो शायर कहते हैं आई वेंटेड लोनली एज अ क्लॉक. The floors on over on high over wells and hills. Hills कहते हैं पहाड़ों को, wells कहते हैं वादियों को, जिसे well कहा गया. Flood का मतलब बहना, right? और vented का मतलब we're sitting here and there without any purpose. Vented का मतलब घूमना, इधर उधर घूमना बगैर किसी मकसद के. Lonely का मतलब होता है तन्हा, और cloud का मतलब होता है बादल. तो शायरी कहते हैं मैं फिर रहा था बादलों की तरह इधर से उधर, कभी बादलों में कभी चट्टानों. सिंपल हो गया. दो है शायरी क्या कह रहे हैं? मैं फिर रहा था बादलों की तरह इधर उधर, कभी वादियों में तो कभी चट्टानों में. अंग्रेजी में कहते हैं आई वॉज वंडरिंग हियर एंड देयर विदाउट एनी पर्पस लाइक अ क्लाउड ओवर द वैली And hills, वादियों के ऊपर, पहाड़ों और चट्टानों के ऊपर, इधर उधर बह रहा. When all at once I saw cloud, once का मतलब suddenly. तो शायद कहते हैं suddenly I saw cloud. मतलब अचानक से मैंने एक मजमा देखा जब मेरी निगाह नीचे गई. When I looked down, I saw cloud. जब मैंने नीचे देखा और देखा तो बेशुमार मजमा भरा पड़ा है. वो basically मजमा नहीं, flower थे. वो है definitely. बाकी चलिए देखिएगा. A host of golden daffodils. बेशुमार host मतलब massive. बेशुमार वो जो थे वो crowd नहीं, वो दरअसल golden daffodils थे जो मैं देख रहा था वादियों के ऊपर से, चट्टानों के ऊपर से. जब मैं इधर उधर घूम रहा था तो मैं देख रहा था इस डेफोडिल्स को. बिसाइड द लेक मतलब झील के किनारे. बीनीथ द ट्री और दरख्तों के नीचे. बीनीथ जेरे तरह नीचे, इसके नीचे दरख्तों के नीचे झील के किनारे मैं इस डेफोडिल्स को देख रहा था. फ्लटरिंग कहते हैं फड़फड़ाने को, राइट? जैसे परिंदे फड़फड़ाते हैं ना भी. Fluttering and dancing in the breeze. और जो मैं देख रहा था इस डेफोडिल्स को तो वो क्या हो रहे थे? ब्रीज, तेज हवाओं में, ब्रीज हवाओं का तेज चलना. डांसिंग मतलब झूमना. फ्लटरिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना. तो मैं ये देख रहा था तेज हवाओं में ये झूम रहे थे और इसकी आवाज आ रही थी, राइट? जैसा है मतलब ये झूम रहे थे इन तेज हवाओं में, तो मैं ये देख रहा था. I was looking in a downward. ठीक है? अब अपनी कॉपी पर स्टैंजा नंबर 1 के अंदर ही रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे.
या रेफर टू द पोएम, ठीक है। ये पोएम दरअसल कहां से लेंगे, आपके पेपर में आते हैं 7 नंबर में, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर ये लिखा हुआ आ जाए, अगर ये लिखा हुआ भी आ जाए और कहा डिफाइन दिस लाइन, तो आपने देखा कि अगर कोई टेक्स्ट सबक से लेता है तो लेते हैं स्याह को सवाब के हवाले, स्याह को सवाब के हवाले से तशरीह करें, तो ये नज़्म है, तो मतलब शायर शायर या शेर या अशआर की तशरीह करें तो ये नमाज है, तो ये आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे एक बार, बाकी एक्सप्लेनेशन है या आपके स्क्रीन पर है, आप चेक कर सकते हो, पिक्चर ले लो आप या लिख लो, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, और जब तक मैं पढ़ रहा हूं आप स्क्रीन ले लो, पिक्चर ले लो या फिर इसे लिख लो, ठीक है। One day the poet was wandering alone. So, refer to the context again. This poem is taken from the poem Daffodils. ये होगा। Refer to the context में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्या लिखेंगे? This poem is taken from the Daffodils, which is written and composed by William Wordsworth in our textbook, same textbook. अब इस संदर्भ में क्या बात है? आपको इंग्लिश में बता दूं। And this stanza, the poet says that once he was wandering all alone, जब मैं बिल्कुल तन्हा घूम रहा था, फिर रहा था, his wandering was just like a cloud, बादलों की तरह, that flowed over the valley and hills, कभी वादियों में कभी चट्टानों पर से मैं गुजर रहा था, at once he saw countless golden daffodils, तो मैंने बेशुमार daffodils देखे। These daffodils were growing beside a lake under a tree. तो मैंने देखा ये जो झील के किनारे इसकी तादाद बढ़ रही है और दरिया के किनारे झील के किनारे दरख्तों के नीचे मैंने ये देखे जो बेशुमार देखे। They were fluttering in the breeze. It seems that they were dancing happily. तो हवाओं में ये झूम रहे थे और जो झूम रहे थे तो वो खुशी से झूम रहे थे, मैंने ऐसा देखा, ठीक है भाई। आइए तो सेकंड हैंड लगाएंगे, स्टेंजा नंबर 2। सेकंड हैंड लगाएंगे स्टेंजा नंबर 2। ठीक है, चलें सेकंड इसी तरह वो पढ़ देता हूं, फिर आप यहां से आपको समझाऊंगा भी यहां पर भी और फिर वहां से भी आपको समझाऊंगा। कंटिन्यू एज द स्टार, कंटिन्यू एज द स्टार्स द शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, कहा कि जब मैं देख रहा था तो ये झूम तो रहे थे लेकिन उसके साथ साथ ये चमक चमक रहे थे ऐसे जैसे सितारों की तरह, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जब मेरी पलक झपकती है, जब मैं इसकी निगाहें झुकाता हूं तो मिल्की वे सीधा रास्ता दिखता है मुझे, that straight in never ending line, और ऐसा सीधा जैसे कि कोई इसकी एंडिंग ना हो, ऐसे स्ट्रेट मिल्की वे स्ट्रेट लाइन के स्ट्रीम में सीधा ऐसा स्ट्रेट दिखते हैं जैसे कि उसकी कोई एंडिंग ना हो, ऐसे जैसे कि समुद्र की कोई एंडिंग नहीं होती। along the margin of the bay, वे मतलब समुद्र साहिल के किनारे, right? मार्जिन का मतलब होता है लकीर, अलोंग का मतलब किनारे, तो समुद्र के किनारे ऐसे जैसे कि कोई एक लकीर डाला हो, 10,000 saw I at a glance, कहा कि जब मैं देखता हूँ तो मेरी एक ही निगाह में तकरीबन लगभग 10,000 से ज्यादा daffodils वो ऐसे बस जाते हैं, मेरी एक ही निगाह में कितने 10,000 closing their heads and sprightly dance, closing their heads, एक दूसरे के साथ मिलाकर closing their heads and dancing like that, okay? सर 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 मतलब एक दूसरे से जुड़ते हैं और झूम रहे होते हैं खुशी से। तो second स्टेंजा में 2-3 बातें समझ पाए, ऐसे क्या समझ पाए? एक बात तो ये झूम तो रहते हैं लेकिन चमक तो रहते हैं, स्टार की तरह चमक रहे हैं, दूसरा कि इतने देर जैसे कि एक लकीर डाली हो मार्जिन लकीर, और तीसरी बात वो सर से सर मिलाकर मतलब 10,000 से ज्यादा daffodils एक साथ झूम रहे थे मेरे एक ही निगाह पर, ये नजर आ ये क्या है?
कैसे सर से सर जोड़कर यो और झूम रहे हो, ठीक है जी। आगे चलें, अब हम लिखते हैं रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट सिर्फ वही होगा आपके पास कि दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम आवर बुक सिंटैक्स बैकेंडल के हैं। द पोएम डैफोडिल्स व्हिच इज रिटन बाय कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और एक्सप्लेनेशन ये है, तो यहां पर भी समझाता हूं आपको। द पोएट सेज दैट, जो बात मैंने वहां कही है फिर समझा रहा हूं आपको, या आपके पेपर में आई क्या ऐसे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन। द पोएट सेज दैट, शायद ये कहते हैं अ डबल इज फॉर स्ट्रेचिंग ऑफ द एंडलेस लाइन। तो बताया जाता है कि ये बेशुमार, इसकी कोई लाइन नहीं। दे वर लाइक दोज स्टार व्हिच शाइन ऑन द मिल्की वे, ये ऐसे नजर आते हैं जैसे एक स्टार की तरह से चमकते दबक रहे होते, बेशुमार। They were growing beside the land, और उनकी तादाद बढ़ रही है। The poet says that they were near 10,000, लगभग में एक ही नजर में 10,000 से ज़्यादा। जब वो इसको देख पाता, they were moving their hats and happy dance, happy dance हो गया। ठीक है, वो अपने झूमते हैं, रक्ष करते हैं, सर से सर मिलाकर, ठीक है, और खुशी से झूम रहे हैं। ये बात हुई। ये हो गया स्टैंडर्ड नंबर टू। पिक्चर ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पढ़ ले लो, दो मिनट दे लो। स्टेप नंबर थ्री, हेडिंग लगाते हैं और ये देखते हैं। द वेव्स बिसाइड देम डैश बट दे ऑर्डेड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, कहा के समुद्र की लहरों से भी ज्यादा खूबसूरत इनका झूमना था। बट दे ऑर्डर्ड द स्पार्किंग वेव्स इन ग्ली, और इसका जो आउटलुक था देखने में ही कैसे नजर आ रहे थे, देखने में ही उससे ज्यादा खुशी मतलब खूबसूरत नजर आ रहे, समुद्र की लहरों से ज्यादा खूबसूरत इनकी लहरें या इनका झूमना था, और समुद्र की लहरों से ज्यादा खुशी इनके झूमने में नजर आ रही। A boy could not be gay in such a jocund company. कहा के शायद चाहकर भी अपने आप को इस खुशी से बाहर निकाल पा रहे हैं। गे का मतलब क्या होता है? Expressive feeling, right? और such a jocund company, दिलचस्प सोहबत, दिलचस्प मंजर, खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होना, राइट? तो द वर्ल्ड कुड नॉट बी गे इन सच अ जॉकिंग कंपनी, शायद। अच्छा, गे के दूसरे मीनिंग भी है कलरफुल, और वेरियस कलरफुल और रंग बिरंगी चीजों को देखकर स्पेस करना, स्पेलिंग का इजहार करना, ठीक है। हाँ, तो वर्ल्ड कुड नॉट बी गे इन सच अ जॉकिंग कंपनी, तो शायद चाहकर भी इस खूबसूरत मंजर से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे थे, छुड़ा नहीं पा रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। I gazed and gazed, तो शायद ने कहा मैं देखता और देखता रहा, but little thought, लेकिन मेरी एक छोटी सी सोच, what were the show to me had bought, वो सोच ये थी कि मैं जितने भी पैसे दे दूं तो इस खुशी को मैं खरीद नहीं सकता। क्या कहा शायद ने? एक सोच ये थी, जब मैं इसे देख रहा था, जब ये खुशी से झूम रहे थे, हवाओं के झोंके में रक्स कर रहे थे, इतनी खुशी नजर आ रही थी, इतनी चौक नजर आ रही थी, तो शायर ने कहा कि मैं जितने भी पैसे दे दूं तो इस खुशी को खरीद नहीं सकता। ये थर्ड, ठीक है।
रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे नहीं, सिर्फ डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन. ये थर्ड, अपोइट सेज दैट द वेव्स ऑफ द लेक लेक वर आल्सो मूविंग एंड डांसिंग हैप्पीली. तो कहा शायरी कहते हैं जो समुद्र की जो लहरें हैं या दरियाओं और झीलों की जो लहरें थी वो दरअसल कहा के मूविंग एंड डांसिंग हैप्पीली, बट द डांस ऑफ द लेबोरेटरीज वाज सुपीरियर टू दैट, कि समुद्र की लहरों से ज्यादा खूबसूरत इनका झूमना. द पॉइंट फेल अ ग्रेट हैप्पीनेस इन सच अ जॉय कंपनी एंजॉय अ जॉब इन कंपनी. तो शायर ने बेहद खुशी बेहद मतलब एंजॉय किया इसकी कंपनी में इस दिलचस्प मंजर को देखकर. द पॉइंट कैप्टन सेइंग सी द फ्लावर्स एंड द फेल द हैप्पीनेस ऑन द गोल्डन साइड ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स. तो शायर मतलब कैप्टन सेइंग वो देखते रहे इस फूल को और उससे खुशी महसूस करते रहे और उसके झूमना मतलब उसका झूमना उसकी खुशी का आउटपुट नजर आना. तो द गोल्डन साइड ऑफ द डांसिंग डैफोडिल्स शायर बहुत खुश थे डैफोडिल्स की इस झूमने को देखकर. आखिरी फोर्थ स्टैंजा पर चलते हैं, स्टैंजा नंबर फोर. और फोर की हेडिंग लगाते हैं और फिर हम देखते पिक्चर ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो. चले अब आगे चलते हैं लास्ट स्टेंजा नंबर फोर. फोर्थ एंड लास्ट फॉर ऑफ. ऑफ का मतलब होता है ऑफन मींस अक्सर और बेशतर. व्हेन ऑन माय कोच आई लाइक कोच मतलब बैग बिस्तर आरामदायक. ठीक है लाइक मतलब लेटना. वैकेट का मतलब होता है रिलैक्स फ्री. पैसिव वर्ब का मतलब सोच और फिकर. इनवर्ड आईज आंखों में. सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई. प्लेजर का मतलब खुशी. डैफोडिल्स का मतलब नर्गिस का फूल. आइए अब मनी वर्ड टू वर्ड हो गए. आइए कब और ऑफ का के अक्सर और बेशतर. वेल ऑन माय कोच आई लाय. जब मैं अपने बेड पर लेटता हूं आई बैकेट इन बैकेट और इन पैसिव मूड. कभी बड़े रिलैक्स होकर तो कभी गौर और फिक्र सोच पर या परेशानी पर जब लेटता हूं द फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आईज तो ये मेरी आंखों पर दिखते हैं. व्हिच इज द ब्लीज ऑफ माय सॉलिट्यूड जो मेरी तन्हाई की एक खुशी बन जाती है. जब मैं अकेला महसूस करता हूं जब मैं रिलैक्स महसूस करता हूं जब मैं मसले में फिक्रमंद होता हूं जब मैं कुछ सोचता हूं तो ये मेरे आंखों पर ये चीजें ये मंजर छप जाती है या ये मंजर नजर आती है. जब कभी भी मैं इसे देखता हूं या इसे सोचता हूं तो ये मेरी तन्हाई की एक खुशी बन जाती है. प्लीज खुशी हैप्पी एंड देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स. तो ये सोचकर मेरा दिल भर उठता है. ये सोचकर मेरा दिल उठता है कि डांस विद द डैफोडिल्स कि मैं भी डैफोडिल्स की तरह डांस करूं. तो देन माय हार्ट विद प्लेजर फिल्स तो मेरा दिल भी फौरन से भर आता है एंड डांस विद द डैफोडिल्स और मैं ऐसे ही झूमता डैफोडिल्स की तरह अबाउट मी यू राइट. ऐसा तो नहीं होता राइट. तो ये हो गया फोर्थ स्टेप स्टेंजा नंबर फोर. आइए लिखते हैं स्टेंजा नंबर फोर. रेफर टू द कॉन्टेक्स्ट सेम रखेंगे जो आपको बताया मैंने. The poet says that whenever he lies on his bed, जब कभी भी मैं बिस्तर में लेटता हूँ, in a gloomy mood or a dead rest, कभी आराम, कभी फिक्र पर, सोच पर, परेशानी पर, सोता, the reflection on those beautiful daffodils comes to his mind. तो मैं इस daffodils के बारे में सोचता हूँ. His heart brings the dance with the daffodils. तो मेरा दिल फौरन से भर आता है. और his heart filled with the pleasure. This side is a blessing of God. दिल भरा था ऐसे कि जैसे कि कुदरत ने मेरे दिल में खुशी को डाला हो. And permanent source of pleasure for the poet. और ये एक जरिया बनता है मेरी खुशी की. जब कभी भी मैं इसे सोचता हूँ, इसे फिक्र करता हूँ, तो ये हो गया स्टेंजा नंबर फोर. तो कमल
और यहाँ पर आपके लेक्चर नंबर थर्ड को कवर हो गए, जहाँ पर एक पोयम भी कंप्लीट कर दिया आपने। अब हम लेक्चर नंबर फोर में मिलेंगे आपसे, और किसी भी किसी की कोई परेशानी हो या कोई मसला हो तो ग्रुप में आप मुझे मैंशन कर सकते हो, उस परेशानी का हल बता सकता हूँ मैं, ठीक है। और मजीद वीडियो को देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे इंग्लिश काशिप पानी डिस्क्रिप्शन के नाम से, वहाँ अपलोड हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। सिर्फ क्लिक करोगे वो आपके पास चीजें आगे चले जाएंगे। तब बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।